साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म बैंड बाजा बारात के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले रणवीर सिंह ने एक से बढ़कर एक कई हिट और बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ ही लोगों के दिलों में भी उन्होंने खूब जगह बनाई। रणवीर की उन्हीं कुछ खास फिल्मों में ये फिल्म भी हैं, बाजीराव मस्तानी, गली बॉय, गुंडे, जिन्हें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इन्हीं फिल्मों में एक ऐसी भी फिल्म है पद्मावत, जो साल 2018 में आई थी। रणवीर ने इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था और इसी फिल्म के सेट से जुड़ा आज हम आपको एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं, जब एक दिग्गज एक्टर ने रणवीर को 24 थप्पड़ मार दिए थे। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। जिस एक्टर की हम बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि रजा मुराद हैं। रजा मुराद भी इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा थे, जो जलाउद्दीन खिलजी के किरदार में नजर आए थे। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने रणबीर को थप्पड़ क्यों मारे थे। दरअसल आपने ये फिल्म देखी है तो इसका एक सीन आपको जरूर याद होगा, जहां पर रजा मुराद रणबीर सिंह को थप्पड़ मारते हैं। पर्दे पर भले ही आपने एक थप्पड़ का सीन देखा हो, लेकिन शूटिंग के समय उन्होंने रणबीर को 24 थप्पड़ मारे थे। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था और वो इस थप्पड़ वाले सीन को बहुत ही बारीकी से फिल्माना चाहते थे। हालांकि बार बार इस फिल्म का शॉट उनके मुताबिक नहीं आ रहा था और फिर उस सीन को 24 रीटेक में फिल्माया गया, जिसके बाद जाकर वो थप्पड़ वाला सीन पूरा हुआ और एक परफेक्ट शॉट आया। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार इस फिल्म ने कितनी कमाई की थी और इस फिल्म में कौन कौन हीरो थे। इस फिल्म में रणवीर सिंह और रजा मुराद के अलावा शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, अदिति राव हैदरी जैसे सितारे भी नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया था। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 300 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन भी किया था और ब्लॉकबस्टर ये फिल्म भी रही थी। आपको ये फिल्म और ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।